पीएम मोदी की अगुवाई वाले नए भारत में भारतीय नौसेना का दमखम लगातार ही बढ़ता जा रहा है। समंदर के रक्षा तंत्र को धार देने के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत अब ऐसे युद्ध पोत को लॉन्च किया जा चुका है जो कई खूबियों से लैस है। दुश्मन की पनडुब्बियों को ध्वस्त करने वाला युद्ध पोत, स्वदेशी शक्ति का कमाल, समंदर में दुश्मन का कार। भारतीय नौसेना की नई ताकत मालपे और मुल्की, एंटी सबमरीन बैटलशिप मालपे और मुल्की, यानी पनडुब्बी विध्वंसक युद्ध। भारतीय नौसेना की ये वो वॉर मशीनरी है जो दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए किसी काल से कम नहीं है। 9 सितंबर को 8वीं सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत 4थे और 5वें जहाज को एक साथ लॉन्च किया गया। पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत के तहत इन युद्ध पोतों का निर्माण किया गया है। इनका 80% निर्माण स्वदेशी तकनीक से हुआ है जिससे रोजगार और राष्ट्र निर्माण की क्षमताओं में इजाफा हुआ है। ये युद्ध पोत पानी के अंदर दुश्मनों की पनडुब्बियों का पता लगाने में सक्षम है। ये कम गहरे पानी और तटीय क्षेत्रों में युद्ध कौशल को अंजाम दे सकते हैं। ये 25 समुद्री मील की अधिकतम रफ्तार हासिल कर सकते हैं। इन जहाजों में 57 चालक दल के सदस्य बैठ सकते हैं। बीते 10 सालों में भारतीय नौसेना की वॉर मशीनरी में जो तकनीकी इजाफा हुआ है वो ये साबित कर रहा है कि कैसे पीएम मोदी ने देश के रक्षा तंत्र को लगातार मजबूती देने की कोशिश की है। और बड़ी खबर आपको भरतपुर से बताते चले, जहां भरतपुर में भारी बारिश के साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं। दरअसल जिले के सबसे बड़े बांध बाराठा से पानी छोड़ा गया है और पानी में कई गांव डूब गए हैं, फसलें बर्बाद हो गई हैं, कुकुंद नदी की टूटी पाल भी टूट गई है, गांव बाई खेड़ा पीर किरारा में पानी घुस गया है, खेतों में करीब 6 से 7 फीट तक पानी भर गया है। आपको हम खेतों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि खेतों में लगी फसल वो बर्बाद हो रही है। पानी से हजारों हेक्टेयर फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। लोगों ने प्रशासन से गुहार की मदद की गुहार लगाई है। लगातार बारिश के बाद चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जिले का सबसे बड़ा बांध बाराठा ओवरफ्लो होने के कारण उसके गेट खोल करके पानी की निकासी की गई और उसके बाद चारों तरफ जो हजारों हेक्टेयर फसल है वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। पीरकिरार, कोटीखेड़ा, सूपा, पुराबाईखेड़ा, बाईखेड़ा के गाँव ऐसे है जहाँ पर जो फसल है वो पूरी तरह चौपट हो गई है। मैं ग्राउंड जीरो पर ट्रैक्टर में बैठ करके किसानों के साथ हालात दिखाने के लिए निकला हूँ, जिससे जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है वो दर्शकों तक पहुँचाई जाए कि हालात क्या है। आप देखिए कि किस तरह जो जमीन है वो पूरी तरह पानी पानी नजर आ रही है। फसल जो है वो यहाँ पर इस तरह से नजर है कि जो 5-5 फीट पानी है वो फसल में घुसा हुआ है। हमारे साथ किसान है, उनसे बात करेंगे किस तरह के हालात है आपके यहाँ पे। बहुत कर रही है आराम से, बहुत कब से हो रही है बारिश? कल से रही है, बहुत कर रही है। और लोग बोलते हैं किस तरह के हालात है, फसल के क्या हालात है? फसल चौपट हो चुकी है और 2-3 दिन से बारिश की चल रही है। क्या मांग है आपकी सरकार से? मांग है सरकार से बात बिल्कुल। और भी लोग हमारे साथ कौन से, उनसे बात करेंगे जो ट्रैक्टर चला करके खुद जा रहे हैं किस तरह से हमारी फसल बिल्कुल चौपट हो चुकी है। हालात क्या है यहाँ के? बिल्कुल